Hello everyone, welcome to lecture 13 of 250 solve problem series in work energy power. तो इस लेक्चर में हम लोग JEE Main के क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट किए थे पिछले लेक्चर में वो कंटिन्यू करेंगे और तीन लेक्चर टोटल लगने वाले हैं JEE Main के क्वेश्चंस जितने भी आए हुए 2002 से लेकर 2019 तक ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन पेपर्स. टोटल 45 क्वेश्चंस आए इस दौरान. तो हम लोग लेक्चर नंबर 12 में 15 क्वेश्चंस किए थे, लेक्चर नंबर 13 में 15 करेंगे और लेक्चर नंबर 14 में 15 करेंगे. तो ये तीन लेक्चर्स में अपना JEE Main वाला पार्ट जो है, मतलब प्रीवियस ईयर JEE Main वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो चलो ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं. बाय द वे, आपको जो भी डाउट हो या लेक्चर नंबर 12 या 14 को भी देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. कुछ देर के लिए आपको विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये जो स्कैंड पार्ट है उतना अच्छा से नहीं दिख रहा है, लेकिन तब भी काम चल सकते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से. द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर द फोर्स बिटवीन टू एटम्स. एक सेकंड चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं. हाँ चलो, फोर्स बिटवीन टू एटम्स का पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ या एक्सप्रेशन दिया हुआ है. यू एक्स इज इक्वल टू ए बाय एक्स ई पार 12 माइनस बी बाय एक्स ई पार 6, वेयर एन बी आर कॉन्स्टेंट, एक्स इज डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स. तो इफ द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डी, और डी के लिए वैल्यू दे दिया है ना, वट इज डी. तो आपको डिसोसिएशन एनर्जी के बाद तो जानने की जरूरत नहीं, उसका एक्सप्रेशन दे दिया पोटेंशियल के टर्म्स में, है ना. तो पोटेंशियल एनर्जी जब एक्स इन्फिनिटी है और पोटेंशियल एनर्जी जब इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इनका अगर डिफरेंस निकालोगे तो आपको डी मिल जाएगा. ठीक है, तो डी का वैल्यू पूछा है. ठीक है, तो डी तो आपको दिख दिया है, इक्वेशन में ही दिख रहा है आपको. डी क्या है, डी है एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी. ठीक है, वैसे एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी कभी लिखते नहीं, और यू एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, अब एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ पुट करो तो ए बाय इन्फिनिटी, याद रखना इन्फिनिटी का ही पुट नहीं करते हम लोग, लेकिन फिजिक्स में लिख भी देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना समझाने के लिए. एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ओके. तो ये चीज़ तो ज़ीरो है, तो माइनस यू एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, इक्विलिब्रियम है ना, स्पेलिंग मैं सही नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, माइंड मत करना. तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एट इक्विलिब्रियम वो पता करो, उसका नेगेटिव साइन ले लो, तो अपना डी आ जाएगा. जो भी डी हो, डी को डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं, तो चलो वही सही. ठीक है, ठीक है. तो इक्विलिब्रियम निकालने के लिए सबसे पहले इक्विलिब्रियम मतलब क्या, इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ सही लिखूंगा, इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स जीरो. फोर्स जीरो अब यू के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे तो फोर्स मतलब डी यू बाई डी एक्स. ठीक है ना, फोर्स जीरो कब होगा, जब डी यू बाई डी एक्स जीरो होगा. ठीक है, एम इन टू ए जीरो क्यों नहीं किए, फोर्स जीरो को जब वो भी जीरो होगा, लेकिन ए एम वो सब के बारे में दिया नहीं, यू के बारे में दिया है, इससे यू वाला के टर्म्स में सोचना है एफ जीरो कब होगा. ठीक है, जो डी यू बाई डी एक्स जीरो, यू का एक्सप्रेशन इस फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है इतना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस 12 ए पावर एक घटा देंगे, ठीक है. तो यहाँ से आप देख सकते हो 6b एक्स की पावर माइनस 7 इज इक्वल टू 12a एक्स की पावर माइनस 13. ठीक है, ऑलमोस्ट हो गया काम 6 और 2. तो आप देख सकते हो एक्स की पावर 6 यहाँ पे आया 2a बाय b. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम मतलब f इक्वल टू जीरो कब होगा, जब du बाई डी एक्स जीरो होगा, और du बाई डी एक्स जीरो कब होगा, जब x की पावर 6 2a बाय b हो. ठीक है, तो बस अब u का वैल्यू एट इक्विलिब्रियम निकालना है, याद रखना एट इक्विलिब्रियम मतलब एट x इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ से, अब देखना पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट ही लेंगे या वो लेंगे सिक्स रूट है, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं लिखना चाहिए, सिक्स रूट है. ठीक है, वो क्यों ले रहे हैं, पॉजिटिव वाला ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन पढ़ो तो x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स या दो एटम्स जो भी था इस केस में, और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है, तो यू एक्स जब 2a बाय b की पावर 1/6 होगी, x का वैल्यू जब इतना होगा, उस समय जो u का वैल्यू होगा वो लिखना है. ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ही है जब x का वैल्यू 2a बाय b का पावर 1/6 हो, है ना. तो बस अब u का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, x का वैल्यू पुट कर दो इतना. ठीक है, तो याद रखना u का वैल्यू आपको दिया हुआ था a x की पावर 12
माइनस बी एक्स पावर सिक्स, ठीक है, एक्स पावर ट्वेल्व। अगर एक्स की पावर सिक्स आपको पता है इतना है, तो एक्स की पावर ट्वेल्व कितना होगा, इसका स्क्वायर कर दो तो फोर ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एक्स की पावर ट्वेल्व, और एक्स की पावर सिक्स तो पता ही है, टू ए बाय बी, ठीक है ना। तो मैं यहीं पे निकाल रहा हूँ डायरेक्टली, तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर ऊपर डिवाइडेड बाय फोर ए, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए, ठीक है, तो बी स्क्वायर डिवाइड बाय फोर ए का नेगेटिव, आप इतना कुछ भी करो सेम ही चीज आएगा, तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर होना चाहिए बी स्क्वायर बाय फोर ए, ऑप्शन डी। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 16, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विथ टाइम टी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, तो देखो फोर्स के बारे में पूछा है और एक्सप्रेशन जो टाइम के टर्म्स में है, ठीक है, तो फोर्स एज फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, क्योंकि फोर्स का डिपेंडेंस टाइम पे डिपेंड, टाइम पे पता चलेगा कितना है, तब जाके हम लोग यहाँ पे चूज कर सकते हैं आंसर, क्योंकि सब आंसर टी के टर्म्स में है, तो फोर्स का डिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम चाहिए, ठीक है। चलो आपको बोला कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विथ टाइम टी, ठीक है ना, तो इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विथ टाइम टी है ना, तो यूनिफॉर्मली विथ टाइम टी मतलब क्या है, आपका काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो प्रोपोर्शनल टू टी होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस या चेंजेस यूनिफॉर्मली विथ टाइम, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी चेंज मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना, ये इसी को ना काइनेटिक एनर्जी चेंज बोलते हैं, है ना, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इनटू टाइम, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल मतलब जब टी इक्वल टू जीरो था यहाँ पे, तो वो था जीरो, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे और रेस्ट पे है ना, ठीक है, जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो वी जो है सम कॉन्स्टेंट इनटू टी आ रहा है, ठीक है ना, टू सी बैम को एक अलग कॉन्स्टेंट के से रिप्लेस कर रही हूँ, ठीक है, तो नेट फोर्स की बात कर रहे हैं आप, है ना, ठीक है, तो आपको वी मिल गया है ना, तो वी से आप फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है ना, कैसे निकाल सकते हो, डी बाई डी टी करके, है ना, तो इस एक्सप्रेशन को दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करें, तो चलो ये बहुत लोग को चेन रूल नहीं पता होगा, तो डी बाई डी टी यहाँ पे इस तरफ भी डी बाई डी टी कर रहा हूँ, उस तरफ भी डी बाई डी टी कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब दोनों तरफ डी बाई डी टी किया, तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, ऊपर नीचे डीवी से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, और इस तरफ तो के आ जाएगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट टर्म है डी बाई डी वी ऑफ वी स्क्वायर, ये तो टू वी हो जाएगा, और डी बाई डी टी मतलब ए, ठीक है, तो एक्सेलेशन हम लोग देख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी आ रहा है ना, ठीक है, चलो मास से मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ, तो ए का वैल्यू के बाय टू भी आ रहा है, मास से मल्टीप्लाई करेंगे या एफ निकालने के लिए एम ए करेंगे, मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एम, ठीक है, तो फोर्स आप देख सकते हो एम के बाय टू भी आ रहा है ना, तो आपका फोर्स हो गया एम के बाय टू भी, ठीक है, और वी क्या है, वी के वैल्यू आप यहाँ से लिख लो, वी के वैल्यू आप यहाँ से दिख रहा है रूट ओवर के टी, यहाँ से क्या दिख रहा है, वी के वैल्यू रूट ओवर के टी, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली एम रूट के जो भी है तो पूरा कांस्टेंट है, इनटू रूट टी, तो एफ का वैल्यू 1/√2, मतलब 1/√2 की प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये चीज़ कांस्टेंट है, सिंस दिस इज ए कांस्टेंट, तो आप बोलोगे ये, अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो नहीं बोल सकते, ठीक है, समझ में आई बात, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसके बाद आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, अगर ये किसी को हार्ड लगा तो यहाँ से वी इक्वल टू रूट के इंटू टी, ठीक है, सम कॉन्स्टेंट इंटू रूट टी है, तो डी बाई डी टी निकाल लो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, रूट टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/ इतना आएगा, ठीक है, सम अदर कॉन्स्टेंट इंटू, ये कॉन्स्टेंट आपको दिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रोपोर्शनिटी कॉन्स्टेंट में पता नहीं करना है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट खाली बताना है किसके प्रोपोर्शनल है, तो डी बाई डी टी इसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, और एक्सेलरेशन
आपका ये, तो आप देख सकते हो यहाँ से भी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 17। लेट मी चेक कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में द स्टेटमेंट हैज टू, द क्वेश्चन हैज टू स्टेटमेंट्स वन एंड टू ऑफ द फोर चॉइसेस गिवन, चूज द, वही असम्पशन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, उससे पहले एक कंडीशन भी हमें दिया गया, एक सिचुएशन भी दिया गया। क्या दो स्प्रिंग्स एस वन एस टू, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के वन के टू है, दे आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स, इट इज फाउंड दैट मोर वर्क इज डन इन स्प्रिंग वन कंपेयर टू स्प्रिंग टू। ठीक है, तो वर्क डन इन वन इज ग्रेटर देन वर्क डन इन टू, है ना, याद रखना। वर्क डन इन स्प्रिंग हो जाता है कन्वर्ट किस में हो जाता है, मतलब जो भी आप वर्क करते हो स्प्रिंग में वो कन्वर्ट हो जाता है उसके पोटेंशियल एनर्जी में, है ना, और स्टोर हो जाता है उसके पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वन इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन टू। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मान लो पहले वाले में डिफॉर्मेशन एक्स वन है और दूसरे वाले में डिफॉर्मेशन एक्स टू है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, इसको मैं के वन एक्स वन इंटू एक्स वन लिख सकता हूँ और इसको के टू एक्स टू इंटू एक्स टू। अब ये लिखने का क्या फायदा है, आपको ये बोला गया कि फोर्स सेम है दोनों केस में। ठीक है, तो के वन एक्स वन के टू एक्स टू सेम है। ठीक है, तो फोर्स याद रखना, के वन एक्स वन बोलो या के टू एक्स टू बोलो, क्वेश्चन ने बोल दिया सेम है दोनों। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आप ये बोल सकते हो एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू, क्योंकि ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू, है ना, याद रखना। यहाँ से आपको दिख गया है के वन एक्स वन या के वन बाय के टू, आप देखोगे तो एक्स वन बाय एक्स टू है, सॉरी एक्स टू बाय एक्स वन है। ठीक है, और एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू है, मतलब एक्स टू लेस देन एक्स वन होगा, मतलब ये लेस देन वन होगा क्योंकि एक्स वन बड़ा है एक्स टू से। ठीक है, यानी के वन इज लेस देन के टू, तो के वन लेस देन के टू आ गया, तो स्टेटमेंट टू तो सही है, के वन लेस देन के टू, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ये दोनों टिक मार्क को मैं मिटाता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, ये खाली दिखाने के लिए था कि स्टेटमेंट्स कहाँ पे है ना। ठीक है, स्टेटमेंट टू जो है करेक्ट है ना। स्टेटमेंट वन क्या बोला है, वर्क डन इन एस वन इज मोर देन एस टू, अगर उनको स्ट्रेच करेंगे बाय सेम अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना इस चीज़ में कि अगर पहले वाले को ज़्यादा से स्ट्रेच किए दूसरे वाले से, तब पहले वाले में ज़्यादा एनर्जी आए दूसरे वाले से। ठीक है, उसी लॉजिक से अगर दोनों को इक्वल अमाउंट से स्ट्रेच करेंगे सेम एनर्जी आएगा, है ना। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट वन जो है वो गलत है। ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा अभी भी तो यहीं पे देख लो, आपको बोल दिया कि अगर सेम अमाउंट से स्ट्रेच करते तो आपको दिख ही गया यहाँ से, इसी को चीज़ को उल्टा करते जाओगे आप, तो ये ऐसा, अगर यहाँ इक्वल टू रहता है, यहाँ पे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है। ठीक है, तो स्टेप्स आप रिवर्स में जाते हो तो यू वन इक्वल टू यू टू मिल जाएगा, यही सब स्टेप्स को उल्टा चलो आप। ठीक है, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू इम्प्लाइज यू वन इक्वल टू यू टू, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि अगर सेम अमाउंट से स्ट्रेच किए यानी एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है तो यू वन ग्रेटर देन यू टू, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या है, स्टेटमेंट वन गलत है, स्टेटमेंट टू ट्रू है ना। ऑप्शन डी यहाँ पे लिखा नहीं हूँ मैं, मतलब सपोज कट करना भूल गया, ठीक है, आया नहीं है पिक्चर में, तो उसमें यही होगा स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। ठीक है, यही रहता है सेशन रीजन में, जिसको नहीं पता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18, है ना, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड माइक एडजस्ट कर देता हूँ मैं। ये था क्वेश्चन नंबर 18, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। द फोर्स एफ इक्वल टू एफ आई कैप ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज गिवन इन द फिगर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पोजिशन एक्स। ठीक है, तो फोर्स वैसे एफ का ग्राफ दिया गया है, पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो अगर किसी को दिख नहीं रहा तो ये है। ठीक है, पार्टिकल का मास 2 kg है, पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, है ना। ठीक है, द पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड इतना अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एट इक्वल टू जीरो, तो स्पीड का वैल्यू जब पार्टिकल एक्स इक्वल टू जीरो पे है तो कितना है स्पीड का वैल्यू, 5 meter per second। तो काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल टू 8 पूछा है, तो स्पीड एट एक्स इक्वल टू 8, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल टू 8 पूछा, सॉरी काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल टू 8 कितना होगा। ठीक है, तो चलो ग्राफ दिया हुआ एफ वर्सेस एक्स का, तो जीरो वाला पॉइंट आप देखोगे तो यहाँ है, 8 वाला पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वी अगर आपको एफ एक्स ग्राफ दिया हुआ है तो आप क्या करते हो, एफ वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हो,
एरिया यही बनाएगा ना, एरिया ठीक है, एक्स एक्सिस और उसके बीच का है ना, सॉरी ये एरिया नहीं है, मैं गलत देख रहा था, एक्स एक्सिस ऊपर है ठीक है। तो एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ ये आएगा, ये पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया और फिर से ये पॉजिटिव एरिया ठीक है। तो पॉजिटिव एरियाज को लिखते हैं हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, ये बेस है 2 और हाइट कितना है 2, तो हाफ इंटू 2 यानी 1, तो पॉजिटिव एरिया तो 1 है, यहाँ वाला पॉजिटिव एरिया हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका 5 से 8 का डिफरेंस 3 है ना, 5 और 8 का डिफरेंस 3, और हाइट कितना है, हाइट अब देखो तो 3 आएगा, तो हाफ इंटू 3 तो 4.5 ठीक है। और जो नेगेटिव एरिया है इसको निकाल लेते हैं हाफ इंटू बेस, सॉरी ये तो ट्राइंगल नहीं है, इसको ट्रेपीजियम वाला मेथड से करेंगे ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस पैरेलल साइड्स है ना। ट्रेपीजियम का क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो यहाँ पे पैरेलल साइड अगर आप, मैं ब्लैक से दिखाऊँ आपको, तो ये एक पैरेलल साइड है और ये एक पैरेलल साइड है ठीक है। तो ऊपर वाला पैरेलल साइड जो है उसका लेंथ है 3 और नीचे वाले का लेंथ है 1, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है ये, और ये कितना है 1 है ठीक है, लेकिन नेगेटिव एरिया तो माइनस साइन नहीं है, तो ये -2 आएगा ठीक है। तो आपका वर्क डन फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 8 ठीक है, ये हो जाएगा एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ फ्रॉम 0 to 8 ठीक है। और 0 से 8 तक का एरिया निकालने के लिए एरिया है ना, 0 से 8 तक का एरिया कितना आएगा, 1 + 1 - 2 + 4.5 ठीक है, 3 रीजन में तोड़ दिए हम लोग ठीक है। तो 5.5 - 2 मतलब 3.5, तो वर्क डन है इतना। वर्क डन इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी होता है, वर्क डन क्या होता है, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल टू 8 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल टू 0, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल ठीक है। तो फाइनल इस पोजिशन पे है तो इस पोजिशन में काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल इस पोजिशन पे तो इस पोजिशन में ठीक है। ठीक है, आपसे क्या पूछा था, काइनेटिक एनर्जी एट 8 है ना, तो ये पूछा गया आपसे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, मास कितना दिया हुआ था, मास अगर आप देखो ऊपर में मास दिया था 2 kg ठीक है, तो छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन का तो जरूरत नहीं है, मास है 2 kg इंटू स्पीड कितना था एक्स इक्वल टू 0 पे 5 ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल टू 0 निकालने के लिए हाफ मास इंटू स्पीड एट एक्स इक्वल टू 0 का स्क्वायर इक्वल टू 3.5 ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3.5 + 25 मतलब 28.5, ओके 4 × 5 तो 29.5 है, 28.5 तो नहीं है, तो एरिया में चेक करता हूँ एक बार, 3 5 में 2 गया 3, मैं कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ, 3 और 1/2 4 × 1 सही, तो ये -2 फाइल पहला वाला एरिया हाफ, ओके 2 आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक था ठीक है, 4.5 होगा तो ये 29.5 ठीक है। तो आपका काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल टू 8 कितना आ गया, 29.5, वही क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 29.5 ठीक है, 0.5 आना चाहिए, 0.4 आ रहा है, फिर प्रिंटिंग मिस्टेक हो ठीक है, चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो बता देना कमेंट में है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर क्वेश्चन नंबर 19 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, अ पार्टिकल गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 2i + 3j + 4k अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है एफ डॉट एस है ना, टोटल वर्क डन होता है, तो यहाँ पे एक ही फोर्स दिया तो उसी को टोटल मान लेते हैं ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दिया और फोर्स भी दिया, फोर्स कितना है अगर किसी को दिख नहीं रहा है ना, और कुछ क्वेश्चंस के लिए ऐसा थोड़ा डिस्प्ले खराब है क्वेश्चंस का ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा पढ़ने में, क्लैरिटी थोड़ा कम है लेकिन समझ में तो आ जाएगा। तो 14 12 12 तो 12 12 24 24 4 38
ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 में द स्प्रिंग्स ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट्स 300 एंड 400। 300 वाला स्प्रिंग ए है और 400 स्प्रिंग कॉन्स्टेंट वाला स्प्रिंग बी आर ज्वाइंट टुगेदर इन सीरीज। कॉम्बिनेशन को कंप्रेस किया बाय दिस मच, तो रेशियो ऑफ, अब कॉम्बिनेशन को कंप्रेस के मतलब जो नया स्प्रिंग आया उसमें इतना डिफॉर्मेशन है, ठीक है, तो रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए एंड बी, ए बाई बी है तो ए बाई बी क्या होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये सपोज स्प्रिंग ए है, ठीक है, स्प्रिंग बी ये है मान लो, है ना, तो इस पूरे, अभी ये नेचुरल लेंथ में है, मतलब दोनों अपने नेचुरल लेंथ में, ठीक है, ये पूरा का पूरा किसमें, अपने नेचुरल लेंथ में, है ना, तो हम लोग क्या किए, इसको एक्सटेंड किए, ठीक है, तो स्प्रिंग ए भी किसी अमाउंट से एक्सटेंड होगा, स्प्रिंग बी भी किसी अमाउंट से एक्सटेंड होगा, लेकिन जो टोटल एक्सटेंशन है वो दिया गया हमें कितना, 8.75। इस चीज को समझो, ठीक है ना, दोनों स्प्रिंग को मिला के जो टोटल एक्सटेंशन है वो है 8.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस स्टेट में एनर्जी इन स्टेट स्प्रिंग बी अगर ई बी है और एनर्जी इन स्प्रिंग ए अगर ई ए है, तो ई ए बाई ई बी आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब याद रखना सीरीज में तो स्प्रिंग फोर्स तो सेम होगा दोनों में, ठीक है, क्योंकि सीरीज में स्प्रिंग फोर्स सेम होता है ना, या मासलेस स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स तो सेम होना ही पड़ेगा, ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स दोनों केस में सेम है, एनर्जी इन स्ट्रिंग स्प्रिंग ए और एनर्जी इन स्प्रिंग बी हो जाएगा हाफ के ए एक्स ए स्क्वायर हाफ के बी एक्स बी स्क्वायर, ठीक है, इसको के एक्स ए इंटू एक्स ए लिख सकते हैं और इसको के बी एक्स बी इंटू एक्स बी, ठीक है। अब के इंटू एक्स हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स इन ए और के बी इंटू एक्स बी हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स इन बी, और क्योंकि सीरीज में है तो ये दोनों सेम हो, ठीक है, तो एनर्जी इन ए बाई एनर्जी इन बी हो जाएगा डिफॉर्मेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिफॉर्मेशन इन बी, ठीक है। तो आपको ये तो पता है डिफॉर्मेशन इन ए प्लस डिफॉर्मेशन इन बी, इसका वैल्यू है 8.75 सेंटीमीटर, है ना, इसमें जितना डिफॉर्मेशन आया होगा, ठीक है, और इस सेकेंड वाले का तो दिखा नहीं सकते, यहाँ पे सेकेंड वाले में जितना भी आया होगा उन दोनों को ऐड करेंगे तब 8.75 आएगा, ठीक है। इसमें क्यों दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि इसका एक एंड फिक्स है, तो दूसरा एंड जितना चलेगा वही डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, लेकिन सेकेंड वाले का दोनों एंड मूव कर रहा है, ये एंड भी मूव कर रहा है वो एंड भी मूव कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इतना है, लेकिन हमें एक्स ए बाई एक्स बी चाहिए, है ना। अब ये कैसे करेंगे, आपको ये तो पता है ना के एक्स ए और के बी एक्स बी इक्वल है, ठीक है, ये तो पता है ना, आपको ये पता है कि के एक्स ए इज इक्वल टू के बी एक्स बी, स्प्रिंग फोर्स तो सेम है ना दोनों में, ठीक है, तो आप देख सकते हो एक्स ए बाय एक्स बी यहाँ पे कितना आ गया, के बी बाय के ए, और के बी और के ए दिया हुआ है, के बी दिया को 400 दिया हुआ है, के 300 दिया हुआ है, ठीक है, 400 और 300, तो ये आपका 4/3 आ जाएगा, तो एक्स ए बाय एक्स बी 4/3 है, ठीक है, ठीक है, तो हो तो गया आंसर, आ तो गया ऑलमोस्ट, ठीक है ना, तो एक्स ए प्लस एक्स बी पता है, एक्स ए बाय एक्स बी पता है, तो यहाँ कॉम्पोनेंट और डिविडेंड थोड़ा लगा है, ठीक है, तो एक्स ए का वैल्यू कितना मिल रहा है हमें, 4/3 इंटू एक्स ए प्लस एक्स बी, और एक्स ए प्लस एक्स बी कितना, 8.75, ठीक है, ये उतना नहीं सोचना है आपको, आपको एक्स ए बाय एक्स बी निकालना था, सॉरी हम लोग तो खाली रेशियो निकालना था, तब इतना जरूरत ही नहीं था, ये कुछ मेहनत का जरूरत, इस लाइन का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, मैं एक्स से एक्स भी निकाल रहा था, आपको खाली रेशियो चाहिए, ये सब का मेहनत का जरूरत ही नहीं है, आपको खाली एक्स से एक्स भी चाहिए था, ठीक है, तो एक्स बाय एक्स भी 4/3 है, वो आंसर मैच नहीं किया तब मुझे समझ में आया कि कुछ गड़बड़ी कर रहे, ठीक है, वो यहीं से आ जाएगा, कुछ जानने की जरूरत नहीं है, है ना, 8.75 का कोई रोल नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल एनर्जी पूछता ना तब 8.75 का रोल आता, मैं इंडिविजुअल एनर्जी निकाल रहा था, लेकिन आपको कभी रेशियो चाहिए तो एक्स ए बाय एक्स भी निकालने के लिए सिंपली 4/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में 70 kg मैन लिफ्ट वर्टिकली इंटू एयर फ्रॉम ए क्राउचिंग पोजिशन, तो एक बैठा हुआ आदमी कूद रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक बैठा हुआ आदमी है, छोटा बना रहा हूँ मैं, ठीक है,
ये बैठा हुआ से खड़ा हो गया एकदम, और फिर कूद गया किसी हाइट तक, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि ये आदमी जो है कांस्टेंट फोर्स एफ लगा रहा है टू रेज हिमसेल्फ, तो ये आदमी ग्राउंड में एफ लगा रहा डाउनवर्ड, तो ग्राउंड पे इस पे एफ लगा रहा होगा अपवर्ड, ठीक है, इसी पे ध्यान रखना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेज बाय 0.5 मीटर बिफोर ही लीप्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो मोमेंट है जब वो लीप कर रहा है, मोमेंट ऑफ लीप मतलब इस पोजिशन पर ग्राउंड से कॉन्टैक्ट ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, उसको आप सेंटर ऑफ मास बोल सकते हो, थोड़ा गलत है लेकिन बोल ही सकते हो, ठीक है ना। तो मान लो जो सेंटर ऑफ मास है वो ब्लैक डॉट से मैं दिखा रहा हूँ, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी भूलना आप, ठीक है, 0.5 मीटर से ऊपर ही है, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है, 0.5 मीटर से ऊपर ही है, ठीक है। तो आफ्टर द लीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेज बाय अनदर 1 मीटर, तो ये तो मोमेंट ऑफ लीप है, ठीक है। तो यहाँ से लेके कब तक ऊपर जाएगा, जब तक वो हाईएस्ट पॉइंट ना पहुँच जाए, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट तक सेंटर ऑफ मास कितना फर्दर राइज किया है, 1 मीटर, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब, है ना। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मसल क्या होगा, ठीक है ना। तो मसल जो होगा मैक्सिमम पावर तब डिलीवर करना चाहिए, पावर में क्या होता है एफ इंटू वी, ठीक है, पावर मैक्सिमम कब होगा। अब मसल जो फोर्स लगा रहा हो तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में बोल दिया गया, ठीक है, मतलब मैन जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उसी को मसल जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वही बोल रहा हूँ। तो पावर मैक्सिमम कब होगा या वी मैक्सिमम, क्योंकि एफ तो कांस्टेंट है, ठीक है। और मैक्सिमम स्पीड कब होता है, मोमेंट ऑफ लीप के समय, मोमेंट ऑफ लीप के समय में स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। सपोज इसको मैं वी बोल रहा हूँ तो मैक्सिमम स्पीड यही होगा एफ वी, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो पावर पी मैक्स होगा एफ इंटू वी मैक्स, और वी मैक्स कह लूँ वी बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है ना। ये आपका वी इक्वल टू वी मैक्स, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग को एफ वी निकालना है, एफ का वैल्यू निकालना है और वी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बस काम तो बन जाएगा, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑफकोर्स यहाँ से यहाँ तक वो स्पीड बढ़ रहा है उसका, क्योंकि रेस्ट से, याद रखना रेस्ट से उसका स्पीड बढ़ते यार इतना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ के बीच में अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो, अगर बनाने का मन है, ज़रूरत नहीं है, तो ये होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अपवर्ड है और यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है मुझे, तो एक्सेलरेशन तो इतना है, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो अगर यहाँ से यहाँ के बीच में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाया है, ठीक है ना, पहला दो फिगर के बीच में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाया, तो फाइनल स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस 2as, s कितना है 0.5, ठीक है। और अगर सेकेंड फिगर से थर्ड फिगर के बीच में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाया, तो फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड वी मैक्स प्लस 2as, ठीक है ना। तो इस सेकेंड रिलेशन से वी मैक्स का वैल्यू 2g आया, उसको यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। वी मैक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, 2g आया, है ना, यहाँ तक समझ में आया ना, बस वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। यहाँ से वी मैक्स का वैल्यू √2g, ठीक है। तो वो पुट करें यहाँ पे, वही वी मैक्स मतलब वी ही है, याद रखना वी है वो, है ना, या चलो वी मैक्स ही रहने देते हैं, एफ इंटू वी मैक्स, वी मैक्स कितना है √g, एफ का वैल्यू नहीं पता, एफ का वैल्यू के लिए ये वाला फिगर देख लो, ठीक है। ये वाला फिगर से आप देख सकते हो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन से लगाओ, तो एफ का वैल्यू किससे आ जाएगा, एम ए प्लस जी, मास है 70, ठीक है। एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो इस रिलेशन से निकल जाएगा, यहाँ से देखो ए का वैल्यू कितना है 2g, ठीक है, तो ए का वैल्यू 2g, जी तो ये 3g आ गया, तो 210g, ठीक है, ए का वैल्यू 2g पुट किए तो 2g प्लस जी 3g, है ना, एफ का वैल्यू कितना 210g, ठीक है। तो इस रिलेशन में एफ का वैल्यू 210g पुट करो इंटू √20, तो 2100 इंटू √20, ओके, सही है ना अभी तक, 0.51, ए का वैल्यू 2g, 2g, और ये इतना ए का वैल्यू 2g है, ठीक है। तो आपका 2100 इंटू √20 आया, ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं,
2100 इंटू √20, ठीक है। पहले √20 निकालना होगा कैलकुलेटर में, √20 4.4 आया, इंटू 2100 तो 9391 आ रहा है। ये तो ऑप्शन में 9391 है ही नहीं, मैं कैलकुलेशन चेक करता हूँ पॉज करके। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन तो चेक किया, लेकिन कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है, आंसर इतना होना चाहिए था, ठीक है। बाय द वे, एक गलती मैं सोच सकता हूँ, ये लोग का आंसर इतना क्यों आया है। अगर हम लोग नेट पावर निकालते हैं, ठीक है, ये जो निकाले हम लोग नेट पावर निकाले हैं ना, मतलब पावर ड्यू टू मैन निकाले, अगर हम नेट पावर निकालते, नेट पावर मतलब क्या, नेट फोर्स इंटू वी, ठीक है। तो नेट फोर्स में सिंपली एम ए लेते हैं, है ना। यहाँ पे अगर हम लोग नेट फोर्स की बात करें तो एफ माइनस एम जी एम ए, इसी को तो नेट फोर्स बोलते हैं, नेट फोर्स कर दे सिर्फ एम ए लेते हैं, ठीक है। एम इंटू ए, ए का वैल्यू 2g है, इंटू वी, तो मास ऑफ मैन है 70, 2g 20, और स्पीड अपना कितना आया था, स्पीड √20 आया था, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट करें 1400 इंटू √20, तो 2100 इंटू √20 था, ये 1400 इंटू √20 है, मतलब इसका 3/2 टाइम्स है ना। तो जो भी यहाँ पे आंसर आया था, इंटू टू करो और डिवाइडेड बाय 3 करो, ठीक है। तो 6260 आ रहा, वैसा इसलिए किया ताकि दोबारा कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो 6260 वाट आएगा, ठीक है। तो 6260 वाट आ रहा है, 6260 बी में आ रहा है, लेकिन ये है जब नेट पावर निकाल रहे हैं, ठीक है। नेट पावर में दोनों आ जाएगा, ठीक है ना, एम जी का एज वेल एज मसल का, ठीक है। लेकिन सिर्फ मसल का निकाल रहा हूँ मैं, तो इतना आ रहा है ना। तो मेरे हिसाब से ये लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा यहाँ पे, इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। तो 22 का बी आएगा अगर हम लोग नेट निकाले, ठीक है ना, मसल एज वेल एज एम जी दोनों का मिला के पावर निकालेंगे, तब आएगा 6260, ठीक है ना। वैसे स्टार्ट वाला ऑप्शन तो गलत ही होगा दोनों केस में, स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी जीरो है, तो पावर जीरो, खाली टेक ऑफ वाला ही पॉइंट हो सकता है ना। टेक ऑफ मतलब जहाँ पे वो कॉन्टैक्ट ब्रेक के, जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ लीप बोल रहे हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 22। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, ठीक है। मतलब समझ लो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है हमें कि मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय मसल, मेरे हिसाब से तो वही होना चाहिए, सिर्फ पावर मसल के कारण जो फोर्स लग रहा है उसका पावर, और वो ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटी के कारण यहाँ पे पावर नेगेटिव है ना, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है, टेक ऑफ के समय वेलोसिटी ऊपर है, और मसल के कारण जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे वो ऊपर है ना। तो यहाँ पे मतलब मसल ग्राउंड को नीचे पुश कर रहा, ग्राउंड ऊपर पुश कर रहा, अल्टीमेटली वही चीज़ है। तो यहाँ पे मतलब बोलना चाहता हूँ कि इस फोर्स का पावर पॉजिटिव आएगा, इस फोर्स का नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अगर मसल का पूछा है तो मेरे हिसाब से सिर्फ ये बोलना चाहिए, लेकिन वो लोग आंसर में नेट का दिया है ना। तो वो खाली टर्मिनोलॉजी का फर्क है, क्या पता जब भी हम लोग पावर ऑफ मसल पूछते हो तब नेट ही बताया जाता हो, ठीक है, वो चेक करना होगा, वो अलग चीज़ है, वो फिजिक्स का पार्ट नहीं, समझो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 था, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। व्हेन रबर बैंड इज स्ट्रेच बाय डिस्टेंस एक्स, इट एक्सर्ट्स अ रिस्टोरिंग फोर्स व्हिच इज इक्वल टू दिस मच, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड बाय लेंथ एल इज, ठीक है। तो आपको देख सकते हो फोर्स जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स कॉन्स्टेंट तो नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे स्ट्रिंग मतलब रबर बैंड का लेंथ बढ़ता जाएगा या उसका स्ट्रेच करते जाओगे आप, तो एक्स बढ़ता जाएगा, एक्स बढ़ता जाएगा तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा, तो फोर्स वेरिएबल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के दौरान वर्क निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये रबर बैंड है मान लो, ठीक है, एफ फोर्स लगा रहे हो आप, और इसका लेंथ एक्स से एक्स प्लस डी एक्स हुआ, ठीक है। तो इस दौरान जो वर्क हुआ उसको मैं डी डब्ल्यू बोल रहा हूँ, है ना। तो इस दौरान कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डी एक्स का हुआ, तो एफ डी एक्स, ठीक है। तो डी डब्ल्यू एफ डी एक्स, और एफ का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ए एक्स प्लस, मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्सप्रेशन, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो एफ का एक्सप्रेशन लिख दिए, डी एक्स लिख दिए, इंटीग्रेशन पुट कर देंगे, ठीक है। कब से कब तक निकालना है, अनस्ट्रेच्ड रबर का लेंथ को एल से बढ़ाए, तो इनिशियल डिफॉर्मेशन जीरो है, या देखना एक्स यहाँ पे लेंथ बता रहा है, ठीक है, मतलब एक्स यहाँ पे डिफॉर्मेशन बता रहा है, तो इनिशियल डिफॉर्मेशन जीरो है, फाइनल डिफॉर्मेशन एल है। तो इसको अगर इंटीग्रेट करें तो ए एक्स स्क्वायर बाय टू
और बी एक्स क्यूब बाय थ्री, ठीक है, 0 to L, तो AL³ बाय 3 होना चाहिए, ठीक है, ओके, AL² सॉरी सॉरी सॉरी, AL² बाय 2 आएगा और एक BL³ बाय 3, ठीक है, AL² बाय 2 BL³ बाय 3, ऑप्शन सी है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 23। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 24 में, अ स्प्रिंग ऑफ अनस्ट्रेस लेंथ 1, अ स्प्रिंग ऑफ अनस्ट्रेस लेंथ 1 हैज अ मास एम विथ वन एंड फिक्स्ड टू अ रिजिड सपोर्ट, ठीक है, अ स्ट्रिंग ऑफ अनस्ट्रेस लेंथ 1, एल होगा, हैज अ मास एम विथ वन एंड, ठीक है, अज्यूमिंग स्प्रिंग टू बी मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर, द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय इट, ठीक है, बाय इट इफ इट्स फ्री एंड इज पुल्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी। ये समझ में नहीं आया, फ्री एंड किसको बोला जा रहा है, जहाँ पे मास लगा उसी को बोला जा रहा होगा ना, ठीक है, तो फिगर प्रॉब्ली ये है, स्प्रिंग है जिसका अनस्टेट लेंथ एल है और एम मास है यहाँ पे मान लो, ठीक है, फ्री एंड इसी को बोला जा रहा है, यहाँ पे एम मास लगा हुआ है मान लो, कि दूसरा एंड तो फिक्स है तो मूव नहीं कर सकता। काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय इट, पोजेस्ड बाय इट मतलब बाय ब्लॉक होगा, जब इट्स फ्री एंड इज पुल्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बी, फ्री एंड को पुश कर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके ओके, चलो चलो समझ में आ गया क्वेश्चन, मुझे मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा था, तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है, एक स्प्रिंग है जिसका एक एंड फिक्स है, स्प्रिंग का मास है यहाँ पे, ठीक है, स्प्रिंग का मास ही एल है, वन एंड फिक्स टू अ रिजिड सपोर्ट, ठीक है, ये फिक्स्ड एंड है, अज्यूमिंग स्प्रिंग टू बी मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय इट इफ इट्स एंड इज पुल्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी, ठीक है, तो जब एक एंड का वेलोसिटी वी है ना, तब काइनेटिक एनर्जी इसका कितना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है हमें कि स्पीड जो होगा वो लिनियरली बढ़ रहा होगा विथ एक्स, है ना, मतलब यहाँ से किसी पोजिशन पे या किसी पोजिशन का लोकेशन एक्स है मान लो, एक्स डिफॉर्मेशन वगैरह नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, एक्स खाली बताया जा रहा है कि किस पॉइंट ऑफ स्प्रिंग का बात हो रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी अगर आप वी एक्स बोलो या यू बोलो मान लो, ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ वी इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो v इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ x मान लिया यहाँ पे, एक एंड फिक्स भी है वो कारण है, तो आप ये बोल सकते हो कि v इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर यूज करें, ठीक है ना, तो जब इसमें दो इक्वेशन पुट करेंगे, मतलब दो कंडीशंस दिए हुए हमें, वेलोसिटी का वैल्यू v है जब x का वैल्यू l है, ठीक है, और एक वेलोसिटी का वैल्यू जीरो है जब x का वैल्यू जीरो है, ठीक है, ये कौन सा एंड के लिए, फ्री एंड के लिए लिखेंगे तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, और फिक्स्ड एंड के लिए लिखेंगे तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों को यूज़ करके आप m का वैल्यू निकालोगे तो m मिल जाएगा आपको v बाय l और c का वैल्यू जीरो मिलेगा, ठीक है, तो v का वैल्यू एज फंक्शन ऑफ u, मतलब v नहीं सॉरी, u इज ए लीनियर फंक्शन, ठीक है, v तो ऑलरेडी यूज है ना, तो u u जो है वो x का लीनियर फंक्शन है, ठीक है, तो u का वैल्यू कितना आ गया, एम एक्स आ गया, क्योंकि c जीरो है और m का वैल्यू है v बाय l, ये सवाल समझ में आई ना, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग u का वैल्यू क्या मान लेंगे, वी एक्स बाय एल, है ना, ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्यों अज्यूम किए कि वेलोसिटी जो होगा वो, मतलब स्पीड जो होगा एट एनी एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वन एंड, ठीक है, वो लीनियर रिलेशन क्यों होना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो डेंसिटी चेंज हो जाएगा, है ना, ये बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, मैं अल्टीमेटली यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि ये एंड फिक्स है, ठीक है, ये स्प्रिंग को बना दिया, सीधा सीधा बनाए, और ये एंड का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड मान लो, ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मिड पॉइंट का स्पीड एग्जैक्टली 5 होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना, है ना, अगर 5 से कम या ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर 5 से कम हो गया तो इस पार्ट का लेंथ जो है वो जिस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा वो, अगर सपोज इसका लेंथ आप मान लो 4 है मान लो, मतलब सपोज यहाँ का स्पीड आपको 4 लग रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट मोमेंट में आप देखोगे तो
इस पार्ट का लेंथ जिस रेट से बढ़ रहा है, इस पार्ट का लेंथ उसका डबल से ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, पॉइंट ये है कि ये वाला पार्ट, चलो इसको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, अभी समझाता हूँ। चलो और इजी एग्जांपल लेके, ये 0 है, ये 10 है, ठीक है, मिड पॉइंट का 5 है। तो आप ये बोल सकते हो कि इस पार्ट का लेंथ जिस रेट से बढ़ रहा है, इस पार्ट का लेंथ दूसरी रेट से बढ़ रहा है। देख लो इस पार्ट का लेंथ कितने रेट से बढ़ रहा है, 5 बढ़ा रहा, 0 से तो कोई फर्क नहीं है, 5 से बढ़ रहा है। इस पार्ट का लेंथ को 10 बढ़ा रहा है लेकिन 5 घटा रहा है ना, 10 माइनस 5, तो दोनों रेट इक्वल है। ठीक है, अगर आप ऐसा मानते कि ये तो रेस्ट पे है, ये 10 से जा रहा है मान लो, और मिड पॉइंट जो है उसका वेलोसिटी 4 है मान लो, तब इस पार्ट का लेंथ किस रेट से बढ़ रहा है, 4 से बढ़ रहा है, लेकिन इस पार्ट का लेंथ किससे बढ़ रहा है, 6 से बढ़ रहा है। ठीक है, तो फिर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, क्योंकि सेम लेंथ जिसका अभी था, कुछ देर बाद ये वाला पार्ट का लेंथ जो है बड़ा हो गया, क्योंकि इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ बड़ा है कंपेयर टू ये। ठीक है ना, तो वो चीज़ इंश्योर करने के लिए कि ड्यूरिंग मोशन यहाँ पे लेंथ यूनिफॉर्म, मतलब मास जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही रहे, उसके उसको उसको यूज करने के कारण यू लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स है। कारण अल्टीमेटली यही है कि मास शुड रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, असम्पशन है कि मोशन के दौरान भी इसका मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है। ठीक, मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट नहीं, मतलब मास जो है लैम्डा कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। ठीक है, मास शुड रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, हाँ सही लिखा हूँ। ठीक है ना, अब अलग अलग टाइम पे तो लैम्डा अलग अलग है ना, क्योंकि शुरू में लेंथ कम है, बाद में उतना ही मास ज़्यादा लेंथ में, तो लैम्डा ऑफकोर्स डिक्रीज हुआ है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर पॉइंट पे लैम्डा का वैल्यू सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी हर पॉइंट में जो लैम्डा होगा वो सेम होगा, ऑफकोर्स यहाँ पे लैम्डा 1 है, यहाँ पे लैम्डा 2 है, लैम्डा 2 इज लेस देन लैम्डा 1, वो है। ठीक है, चलो ये चीज़ समझ में आ गया, यू इज इक्वल टू वी एक्स बाय एल है। बस आपसे क्या पूछा था, काइनेटिक एनर्जी पूछा था। ठीक है, तो ठीक है इसको देखते हैं। तो मान लो यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर कोई स्मॉल पार्ट देख रहे हैं, इसका मास है डीएम, इसका स्पीड यू है, तो इस स्मॉल पार्ट का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इस स्मॉल पार्ट का मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा डीएम, मास क्या होगा स्मॉल पार्ट का, वही स्मॉल पार्ट का मास डिवाइडेड बाय स्मॉल पार्ट का लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा होगा। ठीक है, तो लैम्डा इंटू डी एक्स, जो भी लैम्डा का वैल्यू मुझे नहीं पता है ना, तो इतना आ गया। ठीक है, तो डी के का वैल्यू इतना आ गया, टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए डी के को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो लैम्डा बाय 2 इंटू यू स्क्वायर, सॉरी यू तो एक्स का फंक्शन है, यू कॉन्स्टेंट नहीं है, तो स्टेप वाइज करते हैं, लैम्डा बाय 2 यू स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना, अब मास एम है, लेंथ एल है, तो लैम्डा को एम बाय एल बोलेंगे, है ना, लैम्डा को, सॉरी लैम्डा को एम बाय एल बोलेंगे। ठीक है, एकदम इनिशियल मोमेंट का बात हो रहा है जब स्ट्रेच नहीं हुआ है मान लो, है ना, और यू का वैल्यू कितना है, यू का वैल्यू वी एक्स बाय एल है। ठीक है, एक बार मैं इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर पूरे प्रॉब्लम को तुरंत बता दूंगा शॉर्ट में। ठीक है, अब एक्स को कहाँ से कहाँ तक वेरी करना है, पूरा स्ट्रिंग कवर करना है, स्प्रिंग कवर करना है तो 0 to L। ठीक है, तो इसको अगर इंटीग्रेट करें तो कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लेते हैं, तो एम बाय 2 L³ बाहर आ गया। ठीक है, अंदर में क्या बचा, वी भी कांस्टेंट है तो वी भी बाहर आ गया, अंदर बचा x² dx, 0 to L, तो x³/3 आ गया, यानी लिमिट पुट करने का देखना, तो mv²/6 आ रहा है अपना। ठीक है डी, ठीक है ना, अब जिसको ये समझ में नहीं आया पूरे चीज़ को फिर से देख लो। ठीक है चलो, क्योंकि मैं भी क्वेश्चन समझा नहीं था शुरू में, इसलिए शुरू का ही फ्लो ख़राब हो गया था। तो स्प्रिंग है जिसका लेंथ एल हैज़ ए मास एम विथ वन एंड फिक्स, तो ये फिक्स्ड एंड है। ठीक है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, और अभी आपने इसको खींचना स्टार्ट किया, अभी इसका लेंथ एल है, मास एम है, ठीक है, खींचना स्टार्ट किया ही स्पीड वी से मान लो। ठीक है ना, ठीक है, तो इसी मोमेंट में, इस मोमेंट में काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एट दिस मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो याद रखना इस मोमेंट में लैम्डा आपको पता है, क्योंकि इस मोमेंट का मास पता है, इस मोमेंट का लेंथ पता है। ठीक है,
इसको मैंने काइनेटिक एनर्जी कितना वो बता रहा है, ठीक है। मैं फिर इसी में बोला कि यहाँ से एक्स से दूर अगर डी एक्स लेंथ को देखें, तो इस डी एक्स लेंथ का मान लो स्पीड है यू, तो इस डी एक्स लेंथ का मास है मान लो डी एम, तो सिर्फ इसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ डी एम, इसका स्पीड यू, ठीक है। अब हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे स्प्रिंग जो है, मतलब यहाँ पे जो स्प्रिंग है उसका वेलोसिटी किसी भी पॉइंट का, स्प्रिंग के किसी पॉइंट का वेलोसिटी जो का लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स होगा, ठीक है। वो बोलने से क्या हो जाएगा, वो बोलने से आपका स्प्रिंग जो है उसका लेंथ जो है वो, मतलब उसका जो डेंसिटी रहेगा यूनिफॉर्म रहेगा, है ना। ये नहीं कि किसी पार्ट का डेंसिटी कम हो जाए किसी पार्ट का ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी थ्रू आउट रहना चाहिए थ्रू आउट द लेंथ, विच इम्प्लाइज कि जो स्पीड होना चाहिए वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए एक्स का, ठीक है। स्पीड जो होना चाहिए वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए एक्स का, है ना, ठीक है। तो उससे आपका आ गया, मतलब प्रोपोर्शनल होना चाहिए, लीनियर फंक्शन में ज़्यादा अच्छा हो सकता है, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। लीनियर फंक्शन में देखो, लीनियर फंक्शन नहीं बोल सकते, सॉरी, लीनियर फंक्शन ही ज़्यादा करेक्ट है यहाँ पे, देखो क्यों। जैसे ये एंड तो फिक्स है तो इसका वेलोसिटी जीरो है, ये एंड टेन से जा रहा है, ठीक है। सपोज फिक्स नहीं रहता, ये टू से आते रहता, इस स्टेट में अगर हम लोग निकालते हैं तो अलग अलग स्टेट का क्या आएगा, मिड पॉइंट का जो आएगा वो एवरेज आएगा, ठीक है। दो और दस का एवरेज छः है ना, तो इसका भी देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ छः से बढ़ रहा है, दो से घट रहा है, इसका भी दस माइनस छः, दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखना लीनियर का ही स्पेशल केस होता है प्रोपोर्शनल, लेकिन हम लोग लीनियर बोल रहे हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी मतलब यू इज अ लीनियर फंक्शन, ये मैं एग्जैक्टली प्रूव नहीं किया, मैं वेरीफाई किया हूँ, ठीक है। यू इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब यू लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स है, अब एक एंड में तो जीरो है, ठीक है ना। तो यू जो होना चाहिए एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो फ्री एंड के लिए देखेंगे तो फ्री एंड के लिए वेलोसिटी है वी, और लेंथ लेंगे उस समय इतना, और फिक्स्ड एंड के लिए वेलोसिटी है जीरो, और उसके लिए एक्स क्या है, जीरो है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो दोनों वैल्यूज एम और उसका वैल्यू पुट करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना आ जाएगा, वी हो जाएगा आपका यू बाय, सॉरी यू हो जाएगा वी बाय एल इंटू एक्स। एक बार ये मिल गया, इसको यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दो, डी एम हो जाएगा आपका लैम्डा इंटू डी एक्स, और यू है आपका वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। फिर इसको इंटीग्रेट कर दो जीरो टू एल, तो आंसर आ जाना चाहिए डी। क्वेश्चन नंबर 25 में विंड पावर्ड जनरेटर कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। अज्यूम दैट जनरेटर कन्वर्ट्स अ फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ द विंड एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय इट्स ब्लेड्स इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो जैसे 100 ग्राम ऑफ मतलब विंड मॉलिक्यूल्स या एयर मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक कर रहे इसको, तो मान लो इसका 80% यानी 80 ग्राम को कन्वर्ट कर पा रहा है, ठीक है। फिक्स फ्रैक्शन है, मतलब जितना भी 100 आ रहा है उसका 80% ही कर पा रहा है, ठीक है। या जो भी आ रहा है इनपुट उसका 80% ही कन्वर्ट कर पा रहा है। तो अगर विंड का स्पीड वी है तो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट विल बी मोस्ट लाइकली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो पहले प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट डाल रहा है ना, तो यानी फिक्स फ्रैक्शन का तो मतलब नहीं, क्योंकि वो फिक्स्ड है, तो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट में तो कॉन्स्टेंट में कोई मतलब नहीं होता है ना, मतलब सॉरी प्रोपोर्शनल किसके है वो जानने के लिए कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या हो जाने की जरूरत नहीं। जैसे वाई इक्वल टू 5x हो या वाई इक्वल टू सिंपली एक्स हो, दोनों केस में वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स कहलाता है ना। तो यहाँ पे इमेजिन करो कि ये आपका वो ब्लेड, ठीक है, ब्लेड का एरिया ए है ना। तो यहाँ से थोड़ा डायग्राम ऊपर विंड फ्लोर है, ठीक है। तो विंड का कितना पार्ट को इंटरसेप्ट करेगा ये ब्लेड, जो ब्लेड का एरिया में गिर रहा होगा उसी को इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है ना। हमें पता चल गया कि जो ब्लेड है उसका एरिया के बराबर ही हमें बनाना है, ठीक है। अब सपोज हम लोग डी टी टाइम के लिए देख रहे, ठीक है ना, तो डी टी टाइम में कितने एयर मॉलिक्यूल्स ब्लेड को स्ट्राइक करेंगे वो देखना चाह रहे मान लो, ठीक है। तो याद रखना एयर का स्पीड है वी, ठीक है ना। तो डी टी टाइम में मान लो ये डिस्टेंस है वी डी टी, ठीक है। तो मैं बोलना चाहता हूँ इस वॉल्यूम में जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो लोग डी टी टाइम में ब्लेड को स्ट्राइक करेंगे, है ना। ये आपका ब्लेड है, ठीक
है, डी टी टाइम में इस वॉल्यूम में जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्राइक कर जाएंगे, है ना। ठीक है, अब इसका डेंसिटी मान लो एयर का रो है, ठीक है ना, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मान रहे डेंसिटी इस मोस्ट लाइकली है ना, तो सब अजम्पशन ले लेते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, नहीं लेंगे तो फिर नन ऑफ दीज होना चाहिए आंसर एक्चुअली में। तो अगर डेंसिटी इतना है तो ये जो मास है, मास ऑफ एयर स्ट्राइकिंग ब्लेड इन टाइम डी टी, ठीक है ना, वो मास का वैल्यू निकालते हैं, तो मास हो जाता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ से डीएम का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, रो ए वी डी टी, ठीक है ना। बहुत लोग को पहले से पता होगा, जिनको पता नहीं होगा उनके लिए निकालना है ना। तो आपको निकालना है इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो डी टी टाइम में कितना विंड का मास या एयर का मास टकरा रहा है ब्लेड में, डी टी टाइम में इतना टकरा रहा है, कितना एनर्जी का टकरा रहा होगा, इतना एनर्जी का, ठीक है ना। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, ये जो डीएम मास में यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, ठीक है ना, ये डीएम मास में कितना एनर्जी होगा विंड का, विंड के फॉर्म में इतना एनर्जी है, ठीक है। तो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड है, इसका जो फ्रैक्शन है, इसका कोई फ्रैक्शन जो है वो कन्वर्ट होने वाला है अब पावर में, इलेक्ट्रिकल पावर में, ठीक है। याद रखना इस पूरे चीज़ में क्या हो रहा है, विंड एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब इसका कोई फ्रैक्शन ही कन्वर्ट हो जाएगा, मान लो फ्रैक्शन का वैल्यू है लैम्डा, ठीक है ना। तो एनर्जी कन्वर्टेड या एनर्जी इन विंड इतना है, ठीक है ना। डीएम मास का ही बात कर रहे हैं, डीएम मास ऑफ विंड में इतना एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा वो होना चाहिए दिस डिवाइडेड बाई इसका जो भी फ्रैक्शन है एफ मान लो, ठीक है ना। तो हाफ डीएम एफ भी आ जाएगा इंटू वी स्क्वायर, है ना। फ्रैक्शन का वैल्यू एफ, हमें पता नहीं फ्रैक्शन का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन ने बोल दिया था कुछ फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो बस क्वेश्चन तो बन गया है, डीएम का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, रो ए वी डी टी, डीएम का वैल्यू रो ए वी डी टी इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये है स्मॉल एनर्जी ऑफ विंड, स्मॉल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल स्मॉल एनर्जी, ठीक है, इतना आया। हमें अगर पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पता करना होगा तो स्मॉल इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, इसको टाइम से डिवाइड करना होगा। तो आप देख सकते हो 2 से 2 का फैक्टर गया, तो ए वी क्यूब डिवाइडेड बाय एफ, ठीक है ना। ऑफकोर्स ये एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। जो फ्रैक्शन बोला गया था ना, फिक्स फ्रैक्शन, वो फिक्स फ्रैक्शन को मैं एफ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक कॉन्स्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब है, ऑप्शन डी, समझ में आई बात, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 में, बुलेट लूजेज 1/n ऑफ इट्स वेलोसिटी पासिंग थ्रू वन प्लैंक। तो एक ही प्लैंक से जब पास हो रहा है, एक प्लैंक से जब पास होगा तो उसका स्पीड 1/n टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये एक प्लैंक है, तो घुसते समय स्पीड अगर u है तो निकलते, याद रखना लूज करेगा u बाय n तो बचेगा जितना इनिशियल था माइनस जितना लॉस हुआ, ठीक है। ये इनिशियल है और ये लॉस, तो इनिशियल में से लॉस घटा देंगे तो इतना बचाव मिलेगा, ठीक है, इतना स्पीड बचा हुआ है ना। तो एक काम करते हैं, वर्क डन बाय, ये क्या बोलते हैं, ये जो प्लैंक है ना इसका वर्क डन निकालते हैं, ठीक है ना, वर्क डन बाय प्लैंक, है ना। तो वर्क डन बाय प्लैंक जो होगा या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हो, ज़्यादा यूजफुल है, मतलब वो ज़्यादा काम के अपने। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट निकालेंगे, ठीक है। चेंज मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। ऑफकोर्स यहाँ पे लॉस हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उससे भी ज़्यादा अच्छा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है ना वो कितना आ जाएगा, लॉस में हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतना, फाइनल हो जाएगा इतना, ठीक है। ये लॉस हो गया है ना, याद रखना ये लॉस है ड्यू टू वन प्लैंक, ठीक है। अब क्योंकि आइडेंटिकल प्लैंक्स है, नंबर ऑफ सच प्लैंक्स, आपसे क्वेश्चन पूछा गया ऐसे कितने प्लैंक्स रखने चाहिए हमें, ठीक है ना। ऑफकोर्स आइडेंटिकल प्लैंक्स होंगे क्योंकि सच प्लैंक्स लिखा है, सच दैट स्पीड जीरो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि वर्क डन बाय ईच प्लैंक सेम होगा, उसमें अजम्पशन ये है कि हर एक प्लैंक आइडेंटिकल है, तो हर एक प्लैंक का विथ भी सेम है, ठीक है,
और आइडेंटिकल है, मतलब सेम मटेरियल से बना हुआ है, तो हम लोग यही मान सकते हैं कि रेजिस्टिव फोर्स भी सेम होगा, है ना। तो एक प्लैंक, किसी एक प्लैंक को देखेंगे तो जब बुलेट उसमें ऐसे पार हो रहा है तो रेजिस्टिव फोर्स तो ऐसा लगाएगा, प्लैंक जो है बुलेट पे फोर्स इस तरफ लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, ठीक है ना। तो भले नेगेटिव वर्क डन आएगा, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर एक प्लैंक के कारण सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय एवरी प्लैंक इज सेम, ठीक है। तो अगर वर्क डन बाय एवरी प्लैंक सेम है तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू एवरी प्लैंक भी सेम होगा, है ना, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड मान लो कैपिटल एन है ना, ठीक है ना। तो एन प्लैंक्स के बाद क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, ठीक है ना। तो एन प्लैंक्स के कारण चेंजिंग या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए नंबर ऑफ प्लैंक्स जो कि एन कैपिटल एन इंटू लॉस ड्यू टू वन प्लैंक, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिकल प्लैंक्स है तो एक प्लैंक का लॉस निकाल दो, एक प्लैंक के कारण लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, उसको नंबर ऑफ प्लैंक्स से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल ऐसे लॉस मिल जाएगा, ठीक है। तो एन इंटू ये जो भी यहाँ पे नंबर था, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस यू बाय एन स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। अब टोटल लॉस, अगर हम लोग को बुलेट को स्टॉप करवाना है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो एन प्लैंक से 1 2 3 वैसे वैसे करके एंथ प्लैंक है, एंथ प्लैंक से निकलने के बाद बुलेट का स्पीड क्या रहेगा, जीरो। तो टोटल लॉस क्या हो जाएगा, एकदम इनिशियल में देखेंगे तो इतना है, फाइनल में देखेंगे तो इतना है, तो टोटल लॉस होना चाहिए एकदम इनिशियल वाला काइनेटिक एनर्जी माइनस एकदम फाइनल वाला काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एकदम इनिशियल वाला लिया है, एकदम फाइनल वाला लिया, तभी टोटल मिलेगा आपको। टोटल के लिए टोटल कंप्लीट देखो, एकदम इनिशियल और एकदम फाइनल, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगा, कैप हाफ एम यू स्क्वायर को कॉमन ले लो यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 बाय एन, ठीक है। कैपिटल एन और स्मॉल एन में कन्फ्यूज मत होना, है ना, बस हो तो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाफ एम कैंसिल, यू स्क्वायर भी कैंसिल, ठीक है। तो कैपिटल एन का वैल्यू 1 माइनस, है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 और 1 कैंसिल हो गया। तो एन स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे बचेगा इतना, तो एन स्क्वायर बाय 2n-1 ऑप्शन ए, ठीक है। 26th का ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अ स्मॉल बॉल ऑफ मास एम स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए विथ स्पीड वी नॉट, तो यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, वी नॉट स्पीड से, एंड मूव्स अलॉन्ग फ्रिक्शनल ट्रैक ए बी। तो ए से बी तक वाला पार्ट जो है फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। बी सी का कोफिशियंट फ्रिक्शन म्यू है, बी से सी वाला रीजन का कोफिशियंट फ्रिक्शन म्यू है। बॉल कम्स टू स्टॉप एट सी आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस एल, ठीक है। तो एल का वैल्यू पूछा आपसे, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, ए से सी के बीच में वर्किंग थ्योरम लगाए थे बॉल पे, है ना। तो ए से सी तक वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन बॉल, ठीक है। तो ए से सी तक में क्योंकि फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है, भले पूरे पाथ के लिए नहीं है लेकिन कुछ सम पार्ट के लिए भी तो है ना, तो फ्रिक्शन का ही वर्क डन आने वाला है और ग्रेविटी का वर्क डन आना, यही दो वर्क होना है ए से सी तक, ठीक है ना। इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है मतलब सी क्योंकि सी तक देख रहे, इनिशियल है मतलब ए क्योंकि ए से देखना स्टार्ट है। वर्क डन है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो सिर्फ इसी लेंथ में वर्क करेगा, ठीक है। वो हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू एल विथ ए नेगेटिव साइन, क्योंकि जब बॉल इसमें चल रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा और कांस्टेंट वैल्यू रहेगा और एल डिस्टेंस, ठीक है। वर्क डन में ग्रेविटी तो एम जी इंटू हाइट पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ओवरऑल ए से सी के बीच में देखेंगे तो हाइट उसका डिक्रीज हुआ है ना, मतलब अर्थ के पास गया है, ठीक है, सरफेस आ सरफेस के पास। काइनेटिक एनर्जी सी जीरो, काइनेटिक एनर्जी एट ए हो जाएगा हाफ एम, ठीक है, बस हो तो गया। आपको क्या निकालना है, ठीक है। अब एफ के का वैल्यू लिखते हैं, एफ के क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे कहीं भी तो नॉर्मल एम जी के बराबर होगा, ठीक है। तो एफ के का वैल्यू हम लोग लिखेंगे म्यू एम जी, है ना, ठीक है। एम से एम कैंसिल, हम लोग क्या चाहिए था,
एल चाहिए था, है ना, तो एल को उधर भेजो, जी एच प्लस वी नॉट स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू म्यू एल, ठीक है, तो एल निकालने के लिए म्यू से डिवाइड कर दो, जी एच बाय म्यू प्लस वी नॉट स्क्वायर बाय टू, जी एच, जी तो नहीं आ रहा, एल 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 एच बाय म्यू आ रहा है, जी कैंसिल हो रहा है क्या? ओके यहाँ जी एक और है ना, तो म्यू जी एल भी है वो भी है, ठीक है, म्यू जी एल है, तो यहाँ पे एक ए जी कट जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा, ठीक है, तो एच बाई म्यू वी नॉट स्क्वायर बाई टू म्यू जी, है ना, ये था क्वेश्चन नंबर 27, कैलकुलेशन मिस्टेक था। क्वेश्चन नंबर 28, पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास एम, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मूव्स अलोंग द यूनिफॉर्मली रफ ट्रैक पी क्यू आर, ठीक है, तो पी क्यू आर, ओके पी क्यू यहाँ पे है ना, तो पी से क्यू से आर तक ये पूरा ट्रैक रफ है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द रफ ट्रैक इक्वल्स टू एम, ठीक है ना, तो एम मतलब मास नहीं, कोफिशिएंट फ्रिक्शन है, पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट पी एट कम्स टू रेस्ट एट पॉइंट आर, ठीक है ना, तो पी पे रेस्ट पे छोड़े, ग्रेविटी कारण एक्सीलेट हुआ, स्पीड बड़ा बड़ा बड़ा, क्यू के बाद से आर तक स्पीड घटते घटते आर पे जीरो हो गया, ठीक है, एनर्जी इज लॉस्ट बाय बॉल ओवर द पार्ट पी क्यू एंड क्यू आर आर इक्वल, ठीक है, एनर्जी लॉस्ट मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन का नेगेटिव, है ना, एनर्जी लॉस्ट मतलब क्या, फ्रिक्शन के कारण, ठीक है ना, तो एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉल, जब भी एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉल बोल रहा है मतलब फ्रिक्शन का वर्क डन, ठीक है, उसका नेगेटिव पी क्यू और क्यू आर वाले ट्रैक में वो है, तो ओके तो पी क्यू वाला ट्रैक में वर्क डन बाय फ्रिक्शन ओवर पी क्यू शुड बी इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन ओवर क्यू आर, ठीक है, फ्रिक्शन का जो भी वर्क होता है, फ्रिक्शन का वर्क जो भी आता है उसका नेगेटिव ही आपका एनर्जी लॉस के बराबर होता है, ठीक है, फ्रिक्शन अगर नेगेटिव वर्क कर रहा है, सपोज फ्रिक्शन -2 जूल ऑफ वर्क किया है, तो बॉडी का एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी बाय 2 जूल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एंड नो एनर्जी इज लॉस्ट व्हेन पार्टिकल चेंजेस डायरेक्शन फ्रॉम पी क्यू टू क्यू आर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जस्ट बिफोर रीचिंग क्यू इसका वेलोसिटी इस तरफ होगा एंड जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग क्यू इसका वेलोसिटी इस तरफ होगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इंस्टेंटेनियसली चेंज हुआ है, मतलब इंपल्सिव फोर्स लगा होगा, ठीक है, तो इंपल्सिव फोर्स लगने के दौरान हम लोग को मानना है कि देर इज नो लॉस इन एनर्जी, है ना, यूजुअली होता है लेकिन इस क्वेश्चन में अज्यूम नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, तो द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड डिस्टेंस एक्स, एक्स इज क्यू आर, तो ये लेंथ को एक्स बोल रहे हैं, ठीक है, एक्स और म्यू का वैल्यू या एम का वैल्यू क्या है, ठीक है, चलो, और हाइट भी 2m दिया हुआ है, ठीक है, पार्टिकल का मास भी m है, तो हर चीज m है, पार्टिकल का मास भी m है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी m है और हाइट भी 2m है, ठीक है, चलो, तो हम लोग यूजुअल सिंबल्स यूज करेंगे, म्यू एम एच ये सब यूज करेंगे, ठीक है, और लास्ट में पुट कर देंगे सबका वैल्यू, ठीक है, तो फ्रिक्शन का वर्क डन इन पी क्यू, वर्क डन में फ्रिक्शन, अरे ये ऐसे ऐसे नहीं लिखना था, वर्क डन में फ्रिक्शन ओवर पी क्यू इज इक्वल टू लॉस ओवर पी क्यू, लॉस इन एनर्जी ओवर पी क्यू इज सेम एज लॉस इन एनर्जी ओवर क्यू आर, ठीक है ना, लॉस होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन में फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का वर्क डन ओवर पी क्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शन का वर्क डन ओवर क्यू आर, ठीक है, तो माइनस माइनस कट गया, तो वर्क डन में फ्रिक्शन ओवर पी क्यू निकालते हैं, तो पी से क्यू के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ऑफकोर्स इस तरफ लग रहा होगा, ठीक है, और तो ये एफ के ही होगा, ठीक है, तो एफ के इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, अब ये लेंथ जो है एल मान लो, इंक्लाइन का लेंथ एल मान लो, ठीक है, तो एफ के इंटू एल विथ ए नेगेटिव साइन, है ना, वर्क डन में फ्रिक्शन इतना आएगा वहाँ पे, और वर्क डन में फ्रिक्शन ओवर ये वाला रीजन क्यू आर, ठीक है, क्यू आर वाले रीजन में फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू तो एक्स है, ठीक है, तो एफ के डैश इंटू एक्स, है ना, ठीक है ना, एफ के डैश मतलब फ्रिक्शन ओवर क्यू आर, तो एफ के डैश बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन जरूरी नहीं कि सेम हो, इनफैक्ट सेम नहीं होगा क्योंकि एन का वैल्यू अलग अलग, तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू एन, यहाँ पे एन कितना होगा, एम जी कॉस थीटा, ठीक है, म्यू एम जी कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल सरफेस ओवर ओवर क्यू आर आप देखोगे तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू एम जी, ठीक है, तो एम जी से एम जी कट गया, म्यू से म्यू कट गया, तो हम लोग देख सकते हैं कॉस थीटा एल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, हम एल का वैल्यू लिखते हैं, एल का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, तो अगर इस ट्राइंगल को देखे हम
लोग को पता है एल साइन थीटा एच होना चाहिए, ठीक है, तो एच का वैल्यू, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच बाय साइन थीटा, एल का वैल्यू एच बाय साइन थीटा, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एच बाय टैन थीटा, है ना, थीटा दिया है क्या हम लोग को, नहीं नहीं दिया है ना, ना, ठीक है, तो एच बाय टेन थीटा बिना थीटा के कैलकुलेट हो पाएगा, और कुछ दिया है, टू एच, और कुछ भी नहीं दिया है, एक्स का वैल्यू एच बाय टेन थीटा और एच का वैल्यू टू एम, और टेन थीटा तो हमें नहीं पता, ठीक है, रुको, बाकी दूसरा चीज़ देखते हैं, कोफिशियन ऑफ फ्रिक्शन ही पूछा है ना, एम भी पूछा है, फ्रिक्शन कोफिशियंट कैसे निकालेंगे हम लोग, अब उसके लिए हम लोग पी से लेके आर तक वर्क करेंगे, थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग आगे देखते हैं, जरूरत पड़े या कि नहीं, मेरे साथ जरूरत पड़ना चाहिए, तो पी से लेके आर तक देखेंगे, ठीक है, तो पी से आर तक वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन एम लगा रहे, ठीक है, तो पी से आर के बीच में ग्रेविटी वर्क करेगा और फ्रिक्शन वर्क करेगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आर पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, उस पे भी जीरो है, तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी एच प्लस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो अभी हम लोग निकाले थे इतना और इतना का सम, ठीक है, उसका नेगेटिव है ना, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ओवर पी क्यू हो जाएगा ये वाला नंबर म्यू एम जी एल कॉस थीटा, और ओवर क्यू आर हो जाएगा म्यू एम जी एक्स, ठीक है, इक्वल टू जीरो, तो एम से कैंसिल कर लो, एम को कॉमन लेके, तो म्यू एल कॉस थीटा इस तरफ और म्यू जी भी कैंसिल कर दो, तो म्यू एल कॉस थीटा म्यू एक्स, ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन ये आया, अब अननोन अपने पास क्या क्या है, एच तो क्वेश्चन में गिवन है 2m, ठीक है, लेकिन m का वैल्यू हमें, एच शायद 2 मीटर होगा, ठीक है, तो h पता है हमें 2 मीटर है, तो h का वैल्यू 2 है, म्यू l cos थीटा, ठीक है, l का वैल्यू क्या हो जाएगा, l का वैल्यू यहाँ से h बाय साइन थीटा है, उसको पुट कर देते हैं, ठीक है, प्लस म्यू x, तो हम लोग देख सकते हैं ये तो इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, म्यू एच बाय टेन थीटा और म्यू इंटू एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू फिर से क्या है, एच बाय टेन थीटा, ठीक है, तो टू म्यू एच बाय टेन थीटा, ठीक है, तो टू से टू कैंसल, तो म्यू एच इज इक्वल टू टेन थीटा, तो म्यू का वैल्यू इतना आ जाएगा ना, मतलब वन बाय एक्स आ जाएगा जो भी है, लेकिन हमें टेन थीटा ही तो नहीं पता, एच का वैल्यू टू है लेकिन टेन थीटा कितना है क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है, या मैंने जो डायग्राम लिया उसमें मेंशन नहीं है, मैं एक बार डायग्राम चेक करता हूँ पॉज करके, हाँ तो मैं डायग्राम फिर से चेक किया, थीटा गिवन है 30 डिग्री, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन ये थीटा जो है ये 30 डिग्री गिवन है, ये मिसिंग था, ठीक है, तो बस अब वैल्यू पुट कर दो ना, एक्स का वैल्यू हो जाएगा एच बाय टेन थर्टी, एच है कितना 2, 2 बाय टेन थर्टी, टेन थर्टी हो जाएगा आपका 1 बाय रूट थ्री, रूट थ्री कितना होता है 1.7, ये 1.3.4 के आसपास आएगा x, x 3.4 के आसपास, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, और आपका म्यू जो है वो तो सिंपली 1 बाय एक्स है, म्यू आप देखोगे तो 1 बाय एक्स है ना, दिख ही रहा है ना, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है, यानी 1 बाय 3.4, ठीक है, तो 1 बाय 3.4, 1 बाय 5 होता तो 0.2 होता, तो सी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी है ना, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 29, अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट बाय बर्निंग फैट लिफ्ट्स अ मास ऑफ 10 kg अप टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर 1000 टाइम्स, अज्यूम दैट पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ईच टाइम ही लोअर्स द वेट इज डिसिपेटेड, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है वो डिसिपेट हो जा रहा है ना, ठीक है, तो हाउ मच फैट विल ही यूज अप कंसिडरिंग द वर्क डन ओनली, कंसिडरिंग द वर्क डन ओनली व्हेन द वेट इज लिफ्टेड, ठीक है, तो आपको देखो वेट जब लोअर कर रहे हो तब का टेंशन लेना ही नहीं, करी वेट लिफ्ट करते समय देखना हो कितना वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो फैट सप्लाई इतना है, ठीक है, बाकी डेटा दिया गया है उसमें बाद में जाएंगे, तो सबसे पहले
10 केजी का वेट को उठाया जा रहा है टू हाइट ऑफ दिस मच 1000 टाइम्स, ठीक है। तो वर्क डन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, ठीक है ना। तो एक बार अपवर्ड मोशन कर रहा है तो 1 मीटर ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो इस 1 मीटर का ऊपर जाने में एम मास का कितना वर्क जाएगा, एम जी एच, ठीक है। और एच कितना है, 1 है ना, एम जी 1, ठीक है ना। ये तो था एक बार, वैसे 1000 टाइम्स करेगा तो दिस इंटू 1000, क्योंकि हर बार 1 मीटर ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जा रहा है, नीचे आने का मत सोचना, ठीक है। नीचे आने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खाली नीचे से ऊपर जाते थे सोचो, है ना, ठीक है। तो वर्क डन अपवर्ड मोशन में क्या है, अल्टीमेटली दिस इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल वर्क डन अपवर्ड मोशन हो जाएगा दिस इंटू 1000, क्योंकि एक बार का वर्क डन जितना आएगा 1000 बार का ही वही आएगा, तो 1000 MV, ठीक है ना। एम यहाँ पे कितना है, एम बी 10 दिया हुआ है, ठीक है, वही पुट कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली सब सॉरी जी के वैल्यू जी रहने, तो क्योंकि 9.8 है, ठीक है ना। तो टोटल वर्क डन बाय पर्सन इतना है अपवर्ड मोशन में, ना डाउनवर्ड मोशन का सोचना नहीं है, ठीक है। हाउ मच फैट विल ही यूज अप कंसीडरिंग द वर्क डन ओनली इन लिफ्टिंग अप, ठीक है। तो कितना फैट बर्न हुआ होगा, है ना। अब वो इन्फॉर्मेशन देखो कि इतना जूल ऑफ एनर्जी फैट सप्लाई करता है 1 kg, मतलब 1 kg फैट जब बर्न होता है तो इतना जूल ऑफ एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है। विच इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी विथ अ 20% एफिशिएंसी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या डेटा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे डेटा दिए ये दिया गया है कि जितना भी फैट में एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है मिलेगा उसका 20% ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगा, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू गेन बाय बर्निंग फैट, जैसे 100 जूल ऑफ एनर्जी का वर्थ फैट बर्न हुआ है तो उसका सिर्फ 20 जूल ही यूज हो पाएगा वर्क करने में, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये चीज जो है, दिस इज 20% ऑफ एनर्जी फ्रॉम फैट बर्न, फैट बर्न से जितना भी एनर्जी आया होगा उसका 20% ही होगा जो यूज हुआ होगा वेट को लिफ्ट करने में। एक 10^5 × g लिखो इसको, ठीक है। ये 20% ऑफ फैट बर्न होगा, है ना, एनर्जी फ्रॉम फैट बर्न, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी फ्रॉम फैट बर्न निकल जाएगा, तो 20% मतलब 20/100, मान लो एनर्जी फ्रॉम फैट है ई फैट, ठीक है। तो यहाँ से ई फैट का वैल्यू कितना मिल रहा है हमें, 20/5, तो 5g × 10^5, तो एनर्जी फ्रॉम फैट बर्न इतना आया, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि 1 kg ऑफ फैट जब बर्न होता है तो इतना जूल ऑफ एनर्जी निकलता है, ठीक है ना। तो अब तो यूनिटरी मेथड लगाना है, इतना जूल के लिए इतना फैट बर्न करो, 1 जूल के लिए दिस बाय इतना फैट बर्न करो, ठीक है। अब हमें कितना जूल चाहिए एनर्जी, इतना जूल चाहिए, है ना, इतना जूल ऑफ, क्योंकि सब ऐसा यूनिट था तो जूल में ही होगा ये, तो 5g × 10^5, इतना जूल ऑफ एनर्जी के लिए 5g × 10^5 इतना किलोग्राम ऑफ फैट बर्न करना होगा, ओके, ठीक है। अब जी तो दिया नहीं है, मतलब जी 9.8 है, 9.8 × 5 हो जाएगा 49, 49/3.8 × 10^-2, ठीक है। तो ये तो 10 से बड़ा आएगा, मतलब 10^-1 के ऑर्डर का होना चाहिए, वो तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। × 11 पावर को चलो छोड़ते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा पता, 49/3.8 करते, ठीक है। 49/3.8, 49/3.8 ये आ रहा 12.89, ठीक है। तो 12.89 × 10^-2 kg आ रहा मेरा, आंसर में -3 है, ठीक है। तो मैं अभी इसको मार्क कर दे रहा हूँ, अज्यूमिंग की अपना मतलब ये वाला पार्ट तो सही होगा, 10^ में कोई गलती हुआ या तो मैं कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, वो चेक कर लेना, या तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखने में मैंने गलती की होगी, ठीक है, इन दोनों में से तो कोई भी एक चीज़ होगा। इन एनी केस समझ में तो आ गया क्या करना है, ठीक है ना। तो खाली इस चीज़ पे ध्यान देना है कि नीचे ले आने वक्त आपका वर्क डन नहीं देखना है, ठीक है ना। वो मतलब समझ लो वर्क खाली आप
वो ग्रेविटी कर रहा, आपका वर्क डन नहीं देख रहा, नीचे आते हो, ठीक है। अज्यूम दैट पोटेंशियल इज लॉस्ट ईच टाइम ही लोअर्स द मास इज डिसिपेटेड, ठीक है। उससे आपको कुछ एनर्जी नहीं मिल रही है ना। तो ये 29th है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। बाय द वे, कहीं भी कोई डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हो ना, टाइम स्टैम्प वाला मेथड से। टाइम स्टैम्प वाला मेथड एकदम वीडियो के लास्ट के 10 सेकंड में बताया था, ठीक है, हर वीडियो के। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, 10 kg मास का वर्क डन इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स, ये 2 सेकेंड है मान लो, है ना। तो 2 सेकेंड का वेलोसिटी अगर पता कर लिया हम लोग, ठीक है, तो वर्क डन निकल जाएगा। तो वर्क डन इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स निकालने के लिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट 2 सेकेंड्स माइनस काइनेटिक एनर्जी एट 0 सेकेंड्स, यही करेंगे ना। वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स यानी फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड, है ना। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो 0 टू 2 देख रहे हैं, मतलब 2 सेकेंड फाइनल होगा, इनिशियल होगा 0 सेकेंड, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 2 सेकेंड निकालने के लिए स्पीड एट 2 सेकेंड पता होना चाहिए। उसके लिए वही लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर है। तो एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू भी है यहाँ, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप निकालते, ये रेड लाइन का, रेड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। इस पॉइंट का कितना, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 50, ठीक है ना। तो वाई टू माइनस वाई वन, किसी को भी वाई टू ले लो, मैं इसको ले रहा हूँ, दिस माइनस दिस डिवाइड बाई दिस बाय दिस, ठीक है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 10,0, ठीक है ना। तो यहाँ पे करें अगर, या यहाँ से यहाँ कर देते हैं, इसको और इसको लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं ना, तो इसको इसको लेते हैं, ठीक है। तो 50 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 10, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को लेंगे तो स्लोप इतना आएगा, और इसको लेंगे तो स्लोप इतना आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो 50 माइनस 0 है ना, काट दे रहा था मैं, काटना नहीं अभी है ना, ठीक है। तो क्या करें, 50 माइनस v इज इक्वल टू 50 × 100 10 डिवाइडेड बाय -10। तो v का वैल्यू तो मुझे दिख रहा है 49, ठीक है, v का वैल्यू 49 है। तो यहाँ पे एनर्जी हो जाएगा ½ mv² माइनस काइनेटिक एनर्जी है t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे कितना है स्पीड, 50, ठीक है ना। m कितना है, 10। तो ½ × 10 5 हो जाएगा, 49 + 50, 49 - 50 तो -5 × 99। इसको 100 - 1 लिख देते हैं, ज़्यादा आसानी होगा कैलकुलेट करना। तो -500 + 5 तो -495। तो कुछ आ ही नहीं रहा है, क्या हो गया, ½ mv² ही तो किए। वर्क डन इन द ऑन द बॉडी इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, इतना बड़ा नंबर कैसे आ रहा है इनका, सब यूनिट्स भी सही है ना, चेक कर लेता हूँ मैं। 49 - 50 तो 49 + 50 = 99, और ये सही तो है, कहाँ गड़बड़ी हुई, 9 × 6 = 45, 495 आना चाहिए। चलो फिर से कैलकुलेट करते हैं, अभी तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें गलती नहीं होना चाहिए, मतलब तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं। वर्क डन इन द फर्स्ट 2 सेकेंड से तो पूछा है, तो मान लो ये 2 सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी वी है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इतना, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो इन दोनों पॉइंट को लेंगे तो स्लोप आ जाएगा, याद रखना किसी को पॉइंट कोई पहले किसी को बाद में ले सकते, ठीक है। दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस डिवाइड बाई दिस माइनस दिस, स्लोप आ गया -5, ठीक है। अब अगर इन दोनों पॉइंट को लेंगे तब भी स्लोप वही आना चाहिए, तो v - 0 डिवाइडेड बाय 2 - 10, स्लोप सेम आना चाहिए -5, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना आ गया, -5 × -8, 40 आया, ओके, ठीक है। तो v इतना आया, यानी 49 जो है कैलकुलेशन मिस्टेक था। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में, है ना, ½ m स्पीड फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, ठीक है। फाइनल मतलब 40 आपका फाइनल है, यही फाइनल है, और इनिशियल इतना है क्योंकि आपको फर्स्ट 2 सेकेंड से देखना है, ठीक है। तो 5 × 5 = 9 - 10, तो 9 × 6 = 45,
9000, 45000 माइनस, कुछ गड़बड़ी है ना, 5 4 9, ओके 90 आएगा, एक जीरो कम आएगा, -45 है। ठीक है, तो 30 का सी था। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा, जो भी चीज़ समझ में नहीं आएगी कमेंट में बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और 14 क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना, 44 क्वेश्चंस आए हुए हैं वर्क एनर्जी पावर से पिछले 18 साल में, 2002 से लेकर 2019 तक। तो और 14 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दे। ठीक है, लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया। चलो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।